नमस्कार दोस्तों, अशोक सेरा के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश सेन। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश भर के लोगों में जबरदस्त तरीके से इस माहौल को लेकर उत्साह तथा खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं राम मंदिर की ओर से मिले विशेष न्योते पर बाड़मेर की रूमा देवी राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेने को लेकर रवाना हुई है। वहीं रूमा देवी राम मंदिर अयोध्या रवाना होने से पहले उन्होंने चौहटन इलाके के विरात्रा माता जी मंदिर, डूंगरपुरी जी महाराज मठ, वैर माता मंदिर सहित विभिन्न अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा अर्चना तथा देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद राम मंदिर के लिए रवाना हुई है। साथ ही रूमा देवी ने कहा है कि जो 22 तारीख का पल होगा मानो एक दीपावली जैसा माहौल होगा, साथ ही पूरे देश के लोगों को इसी पल का इंतजार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 22 तारीख का पूरी जो देश की जनता इंतजार कर रही है वो आने वाला एक ऐतिहासिक पल होगा, इस पल को लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। साथ ही रूमा देवी को मिले राम मंदिर अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा न्योते के बाद रूमा देवी ने मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ की है। साथ ही रूमा देवी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा बनेगी। अब आप सुनिए रूमा देवी ने क्या कुछ कहा है और किस प्रकार की वहाँ पर उन्होंने राम मंदिर में आने के लिए न्योता मिला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्विटेशन आया है तो ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है। जो भारतवर्ष से संत साधु के अलावा सिर्फ 2500 लोगों को इनवाइट किया है और उनमें से एक इनवाइट अपन को भी आया है, तो ये हम अपना परम सौभाग्य समझते हैं। और आज यहाँ पे विरात्रा माता का दर्शन करके मैं अयोध्या के लिए रवाना होंगी, तो माता जी का दर्शन करना हमारा, माता जी का आशीर्वाद मिलना। आप ग्रामीणों से क्या अपील करना चाह रहे हो मंदिर के बारे में? आज से कई सालों पहले जब राम मंदिर के लिए हम लड़ाई कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है कि राम मंदिर और राम मंदिर बन के उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है। और अपने अपने घर में सभी लोग इस मौके पे खुशहाली मनाएं और इसको एक दिवाली की तरह उत्साहित करें, उत्साह से इस पर्व को मनाएं। 22 तारीख का दिन है वो होने वाला है, कितना होने वाला है ऐतिहासिक पूरे देश के लिए? 22 तारीख हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को सभी लोग ऐसा सेलिब्रेट करें कि पूरा जग है वो जाग जाए और राम के लिए इतनी खुशी हो रही है। आपकी रवानगी कब है अयोध्या के लिए? आज ही रवानगी है, अभी विरात्रा माता का दर्शन करके फिर चौटन में डूंगरपुरी जी की मठ में वहाँ दर्शन करके फिर बाड़मेर से अयोध्या के लिए रवाना। ठीक।